सभी उपस्थित आत्माओं को प्रणाम जी। इस पंच दिवसीय ध्यान शिविर में जब आप आए, आपके मन में यही इच्छा होगी कि इस समय में तो मैं अवश्य ही चितवनी सीख लूँगा, कुछ ना कुछ ऐसा ध्यान की विधि जान लूँगा जिसके कारण से मैं उस लक्ष्य तक पहुँचूँ। हर किसी की इच्छा होती है कि मैं एक बार में ही 8 या 16 घंटा भी बैठ जाऊँ और उस परमात्मा की साक्षात्कार जल्द से जल्द करूँ, लेकिन सिर्फ इच्छा रहने से या जल्दीबाजी करने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इस 4 दिन के अवसर पर स्वामी जी ने जो जो बात कही आपको, जिस विषय में उन्होंने बात छेड़ी, जिस प्रकार से ध्यान के विषय में कहा, योग दर्शन से कहा गया कि ध्यान क्या है, तत्र एकतांता ध्यानम करके उन्होंने समझाया, उसी प्रकार से गीता के माध्यम से उन्होंने कहा कि निर्विषय मनः ध्यानम, कि मन में जब विषय ना रहे तो उसको ध्यान कहते हैं, या तो एक जगह पे एक चित्त होकर यदि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए तो उसको ध्यान कहते हैं। सब चाहते हैं कि मैं भी इसी प्रकार से ध्यान करूं, लेकिन एक प्रसंग से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सच में हमें किस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। महाभारत में प्रसंग आता है जब अर्जुन को द्रोणाचार्य जी पूछते हैं कि अर्जुन लक्ष्य की ओर ध्यान दो, जो पक्षी है उसकी आँख में देखो, और आँख में क्या करना है आपको, उस वाण के माध्यम से आप उसको तीर मारना। उनको पूछा जाता है तुम्हें क्या दिख रहा है, वैसे ही प्रश्न वो दूसरे को भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है, सिर्फ पेड़ या पक्षी नहीं। लेकिन गुरुजी को चाहिए क्या था, कैसा शिष्य चाहिए था, उनको चाहिए था कि जो वो कहें जिस आँख में देखने के लिए कहा जाए और सिर्फ आँख ही देखे, वैसा शिष्य उनको चाहिए था। और उसमें से सिर्फ अर्जुन ऐसा था जिसने वो उत्तर दिया कि गुरुजी मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से आज जब हमें कहा जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है, तो हम लक्ष्य को तो भूल जाते हैं। हमारा लक्ष्य था श्री राज्य और श्यामा जी, हमारा लक्ष्य है वो ब्रह्म, वो परमात्मा जो अनादि से है, जो पृथ्वी बनने से पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय भी रहेंगे जब ये शरीर नहीं रहेगा। लेकिन आज जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हमारे पैर में दर्द करना शुरू होता है, तब हम कहते हैं कि आसन में सिद्धि कैसे करें। हम यही विषय को छेड़ते रहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने मन के विकारों को मिटा दें। लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। पत्ता है, धनुष है, जैसे धनुष की लकड़ी है, लकड़ी में जब क्या किया जाता है, जो तीर को पीछे की ओर खींचा जाता है और मारा जाता है तो लक्ष्य की ओर वो जाता है। धनुष क्या है, तीर क्या है और वो लक्ष्य क्या है, इस प्रकार से वो बताते हैं। जो धनुष है वो हमारा मन है। यदि उस धनुष में हम अपनी आत्मा को रखकर उसको पीछे की ओर तीर के रूप में खींचते हैं और लक्ष्य वो परमात्मा है, तो यदि हम सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को देखते हैं, चौपाई के माध्यम से हम कहते रहते हैं, खाते पीते सोते, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उस परमात्मा को याद करने से ही, चाहे आप उसको भावलीनता कहें या चाहे उसको आप किसी और नाम से पुकारें, लेकिन जब उनकी यादों में आप बहते हैं, जब उनकी यादों में आप आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आपकी लक्ष्य की ओर आपके हृदय पूर्णतया से समागम होता है। और जब लक्ष्य पूर्णतया से दिखने लग जाए, तो आप सोचिए, अर्जुन ने अभ्यास तो अवश्य किया था, ऐसा नहीं कि उसने अभ्यास नहीं किया था, उसके जो अभ्यास है दूसरे से बहुत अधिक था, जिसके कारण से वो लक्ष्य भेद पाया। दोनों ही मुख्य चीज होता है, एक लक्ष्य होता है और एक अभ्यास होता है। जो व्यक्ति सिर्फ लक्ष्य को देखता है लेकिन अभ्यास कभी करता ही नहीं, जैसे आप
सुंदर साथ में और हम में भी ऐसे लोग हैं जो राज्य और श्यामा जी को तो चाहते हैं सुबह सुबह, जो कभी कोई उठा भी नहीं तब भी उठकर सेवा पूजा में भी लग जाते हैं, और जितना दूसरे याद नहीं करते होंगे वो राज्य और श्यामा जी को याद भी करते हैं, लेकिन चित्तौनी में जब उनको बैठने के लिए कहा जाए तो तब वो वहाँ पे मुकर जाते हैं। कहने का मतलब उन्होंने अभ्यास अब वहाँ पे छोड़ दिया। अभ्यास था कि आप बैठें, अभ्यास था कि आपको देखें कि पैर में कहाँ पे दर्द हो रहा है, पीठ में कहाँ दर्द हो रहा है, आपका आहार सात्विक है या नहीं, वो अभ्यास है, वो आपका लक्ष्य नहीं है। अभ्यास पूर्ण होना चाहिए, और अभ्यास जिसका पूर्ण हो तभी वो लक्ष्य को भेद सकता है। लेकिन लक्ष्य भी भूल जाए और सिर्फ अभ्यास ही करते रहे वो भी गलत है। आप आसन तो सिद्ध कर लिए, आप 8 घंटा तो बैठ सकते हैं, आपका चित्त भी निर्मल हो गया, लेकिन आपको परमात्मा के विषय में पता ही नहीं, आपका दिल राज्य के पास आपने दिया ही नहीं, तो वो अभ्यास से भी क्या लाभ। आज समाज में 6 घंटे बैठने वाले सुंदर साथ भी हैं, आज समाज में 8 घंटे बैठने वाले सुंदर साथ भी हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ कहाँ पे वो बढ़ रहे हैं, वो ज्योति स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य और श्यामा जी के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी जब कोई व्यक्ति अपने अष्टचक्र को खोलने की इच्छा रखता है, जो सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, जो सद्गुरु महाराज के सिद्धि का प्रशंसन चाहता है, वो व्यक्ति क्या चाह रहा है? वो व्यक्ति इसी दुनिया के आकर्षण को चाह रहा है, ना कि उस परमात्मा को। तो इसीलिए आप चाहे 1/2 घंटा बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठ रहे हैं या 2 घंटा बैठ रहे हैं, वो आपका अभ्यास है। लेकिन उस अभ्यास के दौरान यदि आप लक्ष्य की ओर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप अवश्य ही उस लक्ष्य को भी भेद देंगे। एक उदाहरण आपको दिया जाता है हमेशा, जैसे आप मूवी देखते हैं या मोबाइल में सीरियल देखते हैं या कुछ भी आप देखते हैं, किसी का भी यहाँ पे अभ्यास नहीं कि आप 3 से 4 घंटा बैठ सकें, लेकिन फिर भी जब आपका मन इतना आकर्षित हो जाता है तो उस समय पे आप क्या करते हैं, उस मोबाइल के उस वीडियो में आप कैसे बैठे हुए आपको ये पता नहीं चलता है, आप किस प्रकार से उस लक्ष्य को अर्थात उस वीडियो को देख रहे हैं आपको पता भी नहीं, आप आसन बदलते रहते हैं लेकिन आपका मन कहाँ पे केंद्रित है, उसी वीडियो के अंदर केंद्रित है। इसीलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं, देखिए शुरुआत में हमेशा यह तो होता ही है कि पैर दर्द करे 1/2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ 1/2 घंटे के बाद ही उठ खड़े हो जाए क्योंकि मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप लक्ष्य नहीं भेदोगे। लेकिन जिस प्रकार से मूवी देखते हुए 3 घंटे में भी आपका पैर दर्द थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है, पीठ दर्द होता ही रहता है, लेकिन आप थोड़ा सा बदल तो लेते हैं, लेकिन ध्यान पूर्णतया से कहाँ पे है, उस मोबाइल में है। उसी प्रकार यदि राज्य और श्यामा जी के स्वरूप में आपका ध्यान है, पैर दर्द भी हो रहा है और आपने थोड़ी देर के बाद जब असह्य हो जाए और आपने बदला उस पैर को, तो भी वहाँ पे गुनाह नहीं है, वहाँ तब भी आप क्या कर सकते हैं, तब भी आपका ध्यान उसमें केंद्रित हो सकता है, आपका दिल वहाँ पे जा सकता है। इसी कारण से हमें क्या करना जरूरी है, हमें खुद को पहले तो अपना दिल देना आना चाहिए, उसके बाद दिल को लेना आना चाहिए। हमने तो ये रख दिया है राज्य को, एक शर्त रखा हुआ है कि राज्य आप कुछ दिखा देंगे तभी मैं ध्यान पे बैठूंगा, राज्य आप कुछ मेहर कर देंगे तब मैं ध्यान में बैठूंगे। जब इस प्रकार की इच्छा करते हैं और बिजनेस की बातें करते हैं तब राज्य भी सोचते होंगे कि मेरी सखियाँ बिजनेस करने के लिए इस दुनिया में परिपक्व हो चुके हैं, लेकिन प्रेम जो दावा लेकर आई थी, जिसने कहा था कि आप कितने बार भी आजमा लीजिए लेकिन मैं भूलने वाली नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको आपको कहना पड़ रहा है याद करो तुम साथ जी, बार बार इंद्रावती की आत्मा आपको चरण लग रही है और कहती है कि तुम्हें जागना है अब, लेकिन फिर भी इंद्रावती की आत्मा के चरण पड़ने पर भी, हमें याद करने के लिए कहने पर भी, हम 5 दिन के लिए तो आ जाते हैं, मोबाइल देने की जब बात आती है तो मोबाइल तो हाथ में ही रहता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम देखते रहते हैं,
पांच दिन में आप आते हैं, दो दिन आप आते हैं, तीसरे दिन या कोई कोई तो अंतिम दिन में भी आते हैं और कहते हैं कि भूल हो गया क्योंकि हम चितवनी में नहीं आ पाए। किसको बहाना बना रहे? आप बहाना खुद को बना रहे, आप छल खुद को कर रहे हैं। उस परमात्मा को कोई छल नहीं कर सकता है, उसके आंखों से कुछ छिपा नहीं है। आप खुद से छल कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जागने के लिए स्वयं बाधक हैं। और जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जागूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सद्गुरु के कहे हुए मार्ग पर चलूँ, मैं चाहता हूँ कि परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर मैं भी उनके दिल को देखूँ, तो वहाँ पे आपके लिए बाधक कौन बनेगा? कोई भी नहीं बन सकता है। इसी कारण से ध्यान और चितवनी की स्थिति ब्रह्म सृष्टि के लिए, सुंदर सात के लिए अलग है। संसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पे हठ योग आएगा, वहाँ पे राजयोग के विषय में बात होगी, जिसमें हम यम नियम आसन प्राणायाम के विषय में बात करते हैं। लेकिन जब ब्रह्म सृष्टि के विषय में बात आती है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, ल्याओ प्यार, तो हम किस चीज में चुके हुए और सब कुछ मिटा दिया गया आपके लिए। आपके लिए खान पीन का, आसन का, हर चीज यदि आप थोड़ा सा भी अच्छे से दिल देकर करेंगे, वो सब कुछ राज्य पूर्ण कर देंगे। लेकिन आपको आना चाहिए प्रेम करना, आपको आना चाहिए दिल देना। और जिस दिन दिल ही दे दिया तो आपके पास क्या रह जाएगा? आप क्या खाओगे? आप क्यों उठोगे? ये प्रसंग एक आता है कि अष्ट वक्र जी को जब जनक राजा आते हैं और कहते हैं मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो अष्टवक्र जी कहते हैं कि तुम क्या दे सकते हो मुझे? तो जनक राजा कहते हैं मैं राज्य देने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तब अष्टवक्र कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन दे दो, बस मन चाहिए मुझे। और वो राजा कहते हैं हाँ मैंने दिया। और वो अष्टवक्र जी वहाँ से चले जाते हैं, राजा जनक वहाँ से उठते भी नहीं। राजा जनक वहाँ से उठते नहीं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो विचार है वो भी अब मैंने किसको दे दिया, अष्टवक्र जी को दे, ये मन है वो भी मैंने उनको दे दिया, तो वो कैसे उठेंगे? तो वहीं बैठे बैठे उनको समाधि लगती है और उनको आत्मज्ञान होता है, करना तो हमें भी वही चाहिए था, लेकिन सद्गुरु को कहे हुए वाक्य को अपने बुद्धि के माध्यम से चलाते हैं। वाणी अध्ययन करने के बाद अपने ही बुद्धि से तर्क वितर्क करके हम अपने मन की इच्छा से संसार को चलाते हैं। तो अब बात आती है, पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े नो, पर्दा और कोई कर नहीं रहा है, स्वयं आप कर रहे हैं। और जिस दिन आपकी इच्छा है कि पर्दा में हटा दो, राज्य समक्ष है। तो इसीलिए सुंदर साहब जी, किसी को दोष देकर या किसी परिस्थिति को कहकर कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं, मेरे पास अभी कमरा नहीं है, मेरे पास खरीदने के लिए एक आसन नहीं है, वो सब एक बहाना है जो हम बना रहे हैं। जिस दिन आपके हृदय धाम में राज्य के लिए थोड़ा सा भी ये इच्छा जग जाएगा कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ और मैं राज्य के लिए हूँ, वहाँ पे कोई बाधा नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे और वो रहेंगे और सिर्फ एक हो जाएंगे। इसी के साथ मैं इस शब्द को विराम करना चाहूँगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम जी।